सदन से बाहर इसलिए निकले हैं, बायकॉट इसलिए किया कि स्पीकर महोदय भेदभाव करते हैं। एक स्पीकर की भूमिका न काहू से दोस्ती न काहू से बैर की होनी चाहिए, उसके लिए सभी बराबर होते हैं। लेकिन स्पष्ट झलकता है कि आप ही समय भी लौट करते हैं और उस समय के अनुसार आप किसी को ज्यादा समय देते हैं, किसी को कम समय देते हैं। तो ये कागजी सिर्फ नहीं होना चाहिए। हमने क्या गलत पूछा? हमने पूछा कि माननीय प्रदीप यादव जी को कांग्रेस के सदस्य के नाते आपने बोलने का अवसर दिया है या जेबीएम के सदस्य के नाते आपने दिया है या निर्दलीय के नाते दिया है? यदि कांग्रेस के नाते उन्हें बोलने का अवसर दिया तो मुझे कुछ नहीं कहना है। हो सकता है कि पूरे कांग्रेस पार्टी की ओर से वही बोल रहे हो। यदि जेबीएम की ओर से दिया होगा तो भी 6 मिनट का ही समय दिया होगा और जेबीएम तो रहा नहीं, जेबीएम तो विलय कर चुका है, और निर्दलीय के नाते दे रहे हैं तो भी 3 मिनट से ज्यादा समय नहीं हो सकता। इसलिए कि समय निर्धारित है कि जेएमएम को 80 मिनट है तो भाजपा को 67 मिनट है, ऐसे ऐसे सारी समय निर्धारित है। वैसे स्थिति में आप बुलवा रहे हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि आप कहीं ना कहीं नाइंसाफी कर रहे हैं। एक स्पीकर नाइंसाफी करेगा तो न्याय के लिए हम लोग किसके पास जाएंगे? एक ही रास्ता बचा था कि भाई हम विरोध प्रकट करें और इसके बाद भी इसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है तो भगवान बचाए, मैं इतना ही कर सकता हूँ। आगे क्या कीजिएगा सर? बहुत बात कर रहे हैं। अरे भाई, अडानी अम्बानी की जो बात करता है लोग, और तो कुछ मिल नहीं रहा है। अडानी अम्बानी के अलावा इनको तो मिल नहीं रहा। इन लोगों को चाहिए कि भाई छोटे छोटे चीजों के लिए आप चले जाते हो सुप्रीम कोर्ट, तो अडानी अम्बानी के खिलाफ चले जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, रोकता कौन है? अरे माननीय उच्चतम न्यायालय तो खुला हुआ है, जब बड़े बड़े उग्रवादी को फांसी की सजा से बचाने के लिए आधी रात को माननीय उच्चतम न्यायालय खुलवा सकते हो तो इतना देर क्यों करते हो? अडानी अम्बानी के खिलाफ चले जाओ सुप्रीम कोर्ट। इसका अभी से कोई संबंध नहीं है। अरे ये क्या भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो कहा ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।